फिरोज भाई, ऐतिहासिक आम सभा हैदराबाद में हुई, लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर आए और जो रिस्पॉन्स लोगों का था, जो ऊर्जा थी, जो जोश लोगों में था, उसको देखकर मैं कह सकता हूँ कि आने वाली सरकार तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की बनेगी। हमारे नेता लगातार मेहनत कर रहे हैं और पब्लिक अब समझ गई है कि तेलंगाना के लोगों का भविष्य कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। आने वाले कुछ महीनों के अंदर 5 राज्यों में चुनाव हैं, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और तेलंगाना में, मिजोरम में। हर स्टेट में कांग्रेस पार्टी सरकार बनने जा रही है। भाजपा जो केंद्र सरकार में है लगातार जनता की उम्मीदों पर वो फेल हो रही है और 9 साल की सरकार के बाद आज महंगाई आसमान छू रही है। इतिहास में कभी की बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज है। जवाब देने को तैयार नहीं है प्रधानमंत्री जी। भाजपा कोई जवाब दे जिंदा के बीच में नहीं है। आप सवाल पूछो तो कभी अपनी पीठ थपथपाते हैं, मजहब की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, मस्जिद मंदिर की बात करते हैं, लेकिन किसान की, सड़क की, बिजली की, खाद की, बीज की, पानी की, शिक्षा की, चिकित्सा की ये बात अभी करते नहीं हैं। जनता डेवलपमेंट चाहती है और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर हमारी सरकार ने जो काम किया है, जो पार्टी ने मिलकर एकजुटता दिखाई है, आने वाले समय में राजस्थान में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी और सरकार बनने के बाद जो लोकसभा के चुनाव होंगे 2024 में, वहाँ पे हमारा इंडिया अलायंस जो बना है वो 2/3 वोटों के साथ हमारे इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को शेयर मिला था। 24 के अंदर बीजेपी एनडीए का हारना तय है। इंडिया अलायंस के नेता मिलकर काम करेंगे और अगली सरकार इंडिया अलायंस की बनेगी। जी हाँ, केटीआर क्या बोल रहा है मिनिस्टर? अभी झूठा गारंटी कौन भी नहीं सुनते तेलंगाना में।